गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति राठौर आगरा ब्लॉगर में। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4:15 बज रहे हैं और हम लोग सब लोग जग गए थे ऐसी करीब 3 बजे। हम सारे लोग मतलब अपनी माई के घर पे, नानी के घर पे सोए थे क्योंकि यहाँ पर बत्ती नहीं आ रही थी। इतनी तेज़ वहाँ पर मच्छर खा रहे थे, गर्मी इतनी तेज़ थी क्या करें। फिर हम वहाँ से 3 बजे आए अपने यहाँ पर घर पर, और क्योंकि आज सारा डलेगा तो चलो मैंने कहीं काम कर लेते हैं फटाफट से। और नकुल और ये तो वहीं पर हैं, केशव मेरे साथ आ गया है और सब लोग आ गए हैं घर में, बस काम हो रहा है यहाँ पर। तो मैं आ गई हूँ किचन में और मैं नहा धोकर फ्री हो गई हूँ। तो मैं सबसे पहले नहा ली थी तो मम्मी ने मुझे ही बैठा दिया काम मतलब किचन में, और उन्होंने बोला कि बेसन के पापड़ जो होते हैं वो बनाने के लिए। लेकिन मेरे ससुराल में नहीं खाता कोई, ना ही तो किसी ने बनाए ना मैंने बनाए अभी तक। और मेरे मायके में बनते हैं, यहाँ पर हर बार बनते हैं तो यहीं पर ही मैं खाती हूँ बस। वहाँ कोई खाता नहीं है तो बनाती नहीं हूँ मैं। तो मैंने क्या क्या बेसन के साथ मैं बताऊँगी अभी आपको। अभी मैंने जितना बेसन लिया है ना ये इतना, और मैंने दोबारा बाद में लगाया था आटा इसका, फिर से मैंने क्या किया इसका, मुझे लगा कि मतलब कम रहेगा तो मैंने दोबारा लगाया। फिर दोबारा मैं देखा तो मेरे पापा ने बोला बस इतने ही बनेंगे, तो मैंने कहा हाँ इतने ही बनेंगे। तो बोले इतने तो मैं ही खा लूँगा अकेले। फिर हमने जो मतलब आधा किलो बेसन था उसने सबका आटा लगा के उसके पापड़ बना लिए थे। तो इस तरीके से हल्का हल्का पानी डालना है इसमें और आटा लगाना है, याद रखना पानी थोड़ा हल्का हल्का डाला क्योंकि बेसन जल्दी गीला हो जाता है। और मैंने इसमें डाला था जीरा और थोड़ा सा नमक। और ये आटा हमने 3 बार मैंने लगाया था 3 बार जब जाके पापड़ बने थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि थोड़ा रहेगा मतलब कम ना रह जाए कहीं। और आटा लग चुका है तो मैंने ये भी आटा मैंने 2 बार में लगाया था। फिर बाद में मेरे पापा बोले ये तो कम रहेंगे और मतलब बनाना पापड़, इतने तो अकेले मैं ही खा लूँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है और बना लेंगे फिर। और यहाँ पर मैं लोई तोड़ रही हूँ तो मेरी मम्मी ये भी बोल रही थी कि इतनी बड़ी बड़ी लोई छोटी छोटी बना इसकी, तो मैं फिर इसकी छोटी छोटी लोई भी की थी। मैंने इसमें से दो दो मतलब एक लोई में से दो दो की थी, तो वो कह रही थी बहुत बड़ी बड़ी हो गई है ये। तो मैंने कहा चलो ठीक है दो दो कर देती हूँ। अब उन्होंने बोला था कि पतले पतले बनते हैं, हाँ ये तो मुझे भी पता है कि ये पापड़ पतले पतले बनते हैं। तो मैंने कहा फिर तो हो ही जाएंगे, लेकिन नहीं हमने और बाद में लगाया था आटा। और इसको परोथन से बेलते हैं तो देखिए इस तरीके से कोशिश कर रही हूँ मैं बनाने की। वैसे मुझसे बनते नहीं है, सच बताऊँ तो मुझसे बिल्कुल नहीं बनते ये पापड़, तो चिपकते हैं बहुत ज़्यादा। और मेरी मम्मी बना लेती हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो देखना कितना पतला बनाया है ये, और इससे भी पतले पतले बनेंगे। तो यहाँ पर मैं मतलब कोशिश कर रही हूँ बनाने की, और मम्मी से मैं बोलती भी जा रही थी अगर नहीं बनेंगे तो तुम बना लेना, वो कह रही ठीक है मैं बना लूँगी। तो यहाँ पर मतलब मुझसे बने नहीं थे, फिर मैंने अपनी मम्मी को पकड़ा दी थी कि मैं नहीं बना रही। फिर उन्होंने वो बनाने लग गई थी अपना कमरे में, और मैंने कहा चलो मैं जब तक गैस खाली है तो खीर चढ़ा देती हूँ बनाने के लिए। तो यहाँ पर ज़्यादा दूध नहीं है, थोड़े से दूध के बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर एक दूसरी वाली जो दूसरा वाला हलवा वो बनेगा। मैं आगे चल के बताऊँगी क्या क्या बनने वाला है। हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बनता, लेकिन ससुराल में मायके में अलग बनता है, ससुराल में अलग बनता है। तो जब तक मैंने खीर चढ़ाई थी तो मम्मी ने पापड़ बेल बेल के यहाँ पर डाल दिए थे बेड पर। इसने सुखाने होते हैं ज़्यादा नहीं, आधे घंटे के लिए हवा लगानी होती है ताकि ये करारे हो जाए बाद में। फिर इसे डीप फ्राई कर देते हैं बाद में। तो यहाँ मेरी मम्मी ने पराँठे सेके हैं, इसका बनेगा मलीदा और हलवा पराँठे का, तो वो भी दिखाऊंगी मैं किस तरीके से बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 4 पापड़ हैं बेसन के जो बनाए थे, 2 पूड़ी हैं, 2 पराँठे हैं, इससे मलीदा बनेगा और हलवा बनेगा इसका, तो वो भी बताऊंगी। लेकिन मेरे ससुराल में नहीं बनता, मायके में बनता है तो वो बताती हूँ मैं। और ये मेरे पापा बना रहे हैं तो मतलब मलीदा कर रहे हैं मेरे पापा पराँठे का और पापड़ का पूड़ी का। और मैंने ना पहली बार देखा अपने पापा को ऐसा काम करते हुए, पहले कभी नहीं देखा, मतलब किचन के जो काम होते हैं वो करते नहीं देखा। वैसे देखा जाए तो मेरे पापा हलवाई है, एक हलवाई की दुकान भी है, और हलवाई का उन्होंने शुरू से काम किया है जब से मैंने अपना होश संभाला है, जब से मैं बड़ी हुई, जब से मैं छोटी सी देखती आ रही हूँ। उन्होंने ज़्यादातर हलवाई का ही काम किया और कोई काम नहीं सूट हुआ उन्हें, हलवाई का काम ही करते हैं शुरू से। और लेकिन किचन का काम मैंने उन्हें पहली बार अपने घर में देखा है आज ही। और यहाँ पर क्या बोलते हैं ये मलीदा इस तरीके से बनेगा मीड़ के अच्छे से। तो मुझे बताना किस किस के घर में ऐसा होता है, मतलब श्राद्ध में किस किस के घर में बनता है। हमारे जो पूर्वजे होते हैं, हमारे जो बड़े बूढ़े होते हैं, पहले को उन्हें यही पसंद आता था खाना। आज जो बनता है ना खीर वीर उन्हें नहीं पसंद आती थी, पहले ऐसे बनता था वहाँ पर। और ये जो अलग प्लेट में रखा है इसका तो बनेगा मलीदा, और जो मेरे पापा थाली में कर रहे हैं उसका बनेगा हलवा।
तो मैं बताती हूँ, हलवा थोड़ा महीन करना पड़ता है, मलिदा होता है वो थोड़े मोटे मोटे रह जाते हैं, तो इस तरीके से। तो पहले मैंने किया था तो मुझे आया नहीं करना, तो मेरे पापा ने बोला ला मैं कर देता हूँ। मैंने कहा ठीक है चलो देख लेते हैं। और यहाँ मैंने दूध चढ़ा दिया है हलवे के लिए, और यहाँ पे ये देखिए जो हलवा था मतलब दूध गर्म हो गया था, उसमें एक खदक आ गई थी मतलब खाली आ गई थी, तो इसमें मैंने डाल दिया है दूध, वो सॉरी जो पराठे का मलिदा था वो डाल दिया था मैंने इसमें। और यहाँ पे मेरे पापा बना भी रहे हैं, ये भी मैं सच बताऊँ तो बहुत ही पहली बार देखा था मुझे तो। और यहाँ पे वो बना रहे हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ मैं। और उन्होंने ही बनाया है हलवा, तो उन्होंने ही बनाया है मलिदा भी उन्होंने ही बनाया, तो बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत ही ज़्यादा बहुत ही टेस्टी बना था। और यहाँ पर इस तरीके से पूजा होती है, हमारे यहाँ पूजा हो चुकी है, तो मतलब देवी देवताओं को ऐसे खिलाते हैं, यहाँ पर जो बड़े बूढ़े होते हैं उनको ऐसे रख के पूजा करके खिलाते हैं उन्हें यहाँ पर। और ये तोरई के पत्ता है इसमें रख कर, और थाली तैयार है। तो चलिए फिर आप सब भी खा लीजिए। ये पापड़ हैं, ये पापड़ मैंने बताए थे बेसन के, वही हैं, ये बहुत करारे बने एकदम, तो मैं तोड़ के बताती हूँ। देखिए एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी हो गए हैं। और ये प्याज मतलब सॉरी आलू की कचौड़ी है, मैदा वाली खस्ता पूड़ी है, और खीर है यहाँ पर, खीर वैसे बनती नहीं है इनके यहाँ पर, मैंने बना दी थी। और ये मलिदा है, वही मैंने बताया था मलिदा, तो यहाँ पर मेरे मायके ससुराल में नहीं बनता, यहाँ बनता है, लेकिन बहुत टेस्टी होता है, ये भी बहुत ही टेस्टी बनता है। और ये वो हलवा है जो मैंने आपको बताया था, इस दोनों में जो बनता है, ये दोनों तो यहाँ पर मतलब बनते ही बनते हैं। और ये सब्ज़ी है टमाटर आलू की, तो चलिए फिर आप सब भी खा लीजिए। और हमारे यहाँ पर ना पंडित को नहीं बुलाते, तो इन्होंने खा लिया था, मतलब वही होते हैं ना मान भाने जो होते हैं, तो पंडित ही होते हैं जो मेहमान वगैरह होते हैं मतलब, तो वो पंडित एक माने जाते हैं एक तरह के, तो इन्होंने पहले खा लिया था, और भांजे होते हैं वो भी खा लेते हैं। तो मैंने कहा फिर पापा ने बोला चलो तुम भी खा लो बैठ कर, तो मतलब मैं भी फिर खाने लग गए थे, पापा ने कहा चलो जल्दी जल्दी खा कर निपट जाओ, मैंने कहा ठीक है चलो खा लेते हैं। और भूख भी लग रही थी, टाइम अभी 9 बज रहे थे, जल्दी हो गया था काम, मैंने आपको बताया था हम 4 बजे का जग रहे हैं, जल्दी काम भी हो गया था और भूख भी लग रही थी, तो हम खा भी रहे हैं। तो चलिए फिर आप सब भी खा लीजिए, उसके लिए सॉरी, मैंने आपको पहले पूछा नहीं था, उसके लिए दिल से सॉरी। और यहाँ पर सब लोग खा रहे हैं, मतलब मेरा भाई भी है, और एक माई का लड़का है मेरे मामी का, वो भी है। तो मेरे पापा यहाँ पर लेकर आए थे बतासी और लड्डू प्रसाद, तो उन्होंने बोला कि चलो ये भी खा लो, एक एक थोड़ा थोड़ा ले लो। और पहली बार मेरे पापा हमारे लिए सब्ज़ी लेकर आए थे खाने में, और ये खाने की दक्षिणा मिली है मुझे, मेरे बहन को और इनको, तो इनाम मिला है खाने का, ये सबको ही मिलता है यार ये तो। और ये मेरी नानी है, तो आप सबसे हेलो राम राम जो नमस्ते होते हैं वो कर रही हैं। और मेरे नाना अभी अभी एक्सपायर हो गए हैं, तो मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो उन्हें थोड़ा रोना भी आ गया, तो प्लीज़ इस पर इग्नोर करना। और ये मेरी नानी देख लो, याद बन जाएगी एक तरह की। तो हम आ रहे हैं अपनी नानी के घर से वापस लौट कर, और जा रहे हैं घर पर, तो देखते हैं क्या बनता है घर पर। मैंने अपनी नानी से मिलवाई दिए सबको। हाय गाइस, हाय। तो और चलते चलते थोड़ी दूर है, ज़्यादा दूर तो नहीं है, वैसे पास में ही है, अगर खेत के शॉर्टकट रास्ता जाओ ना तो थोड़ा पास में ही पड़ता है, वैसे तो थोड़ा दूर है, घूम कर जाओ तो अगर ये मकान बन गया तो दूर ही पड़ेगा फिर तो मालूम पड़ेगा भाई क्या होने का घर पर। वैसे तो रखा हुआ है थोड़ा बहुत तो पर पता चल। और नानी को मैंने अभी दिखा दिया था, और नाना है नहीं है मेरे, वो अभी अभी मतलब एक्सपायर हो गए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उन्हें भी, तो मैंने नानी को जब मिलवाया था वो थोड़ा रोना भी आ गया था उनको, लेकिन होता है ऐसा कभी कभी, तो याद तो आती आती है। और सब लोग चले गए घर पर, सिर्फ हम दोनों रह गए हैं, बस हम तीनों रह गए, ये भी मेरे पास में ही है नटखट लड़का। तो हम पापा आगे निकल गए हैं मेरे, वो रह गए। और मैंने बताया था ना कि पापा मेरे पहली बार किचन में काम कर रहे थे, वो हमारे सामने पहली बार ऐसा हुआ है, लेकिन हलवाई का काम तो करते ही करते हैं वो, लेकिन किचन में पहली बार काम किया इन्होंने, अच्छा लगा बहुत। लेकिन जब उनकी स्टोरी बताने बैठूंगी ना तो शायद पूरा एक घंटा हो जाएगा बताते बताते, इसलिए शॉर्टकट में बताती जाती हूँ मैं बीच बीच में वीडियो में। फिर अब वीडियो का एंड कर देती हूँ मैं यहीं से, क्योंकि वीडियो हो जाएगी बहुत बड़ी। तो कल मिलती हूँ मैं अपनी एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय करो, हाय, बाय बाय।